आगे देखते हैं हमें किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। देखिए ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहां पे मुझे किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करना है, उसका डेरिवेटिव यहां मुझे मिलना चाहिए, ठीक है ना। अब पीछे इसके पहले जो हमने लास्ट क्लास में जो फॉर्म समझा था वो था एफ एक्स पावर एन, ठीक है ना, और एफ डैश एक्स, ये समझा था। यहां पे आपको क्या होगा, आपको एफ एक्स पावर एन हो सकता है ना मिले, लेकिन कोई एक फंक्शन ऐसा मिलेगा जहां पे मैं कुछ सब्स्टिट्यूट करूं उसका डेरिवेटिव मुझे जरूर मिल जाएगा, लाइक एफ जी एक्स ऐसा कुछ मिलेगा और आपको जी डैश एक्स मिलेगा, ठीक है ना। अब मुझे करना क्या है, इस जी एक्स को टी पुट करना है, तो ये जी डैश एक्स डी एक्स जो है डी टी हो जाएगा। अब इस एफ का क्या करें, ठीक है ना, अब इस एफ का क्या किया जाए, तो ये जो एफ टी है इसको फिर मुझे फर्दर सॉल्व करने पड़ेगा, है ना, इसमें मुझे देखना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। तो यहां पे देखिए क्या किया हमने, कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। नाउ ये जो रूट एक्स है तो इसको अगर मैं टी पुट करता हूं, ठीक है ना, हमेशा मुझे ऐसी चीज को पुट करना है जिसका डेरिवेटिव यहां पे मिल जाए। अब देखिए रूट एक्स का फॉर्मूला है वन अपॉन टू रूट एक्स, ये जब मैंने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था रूट एक्स का ऐसे तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले की लिस्ट में नहीं है, लेकिन हम एक फॉर्मूला ये बना के रखते हैं क्योंकि हमें काम बहुत आता है, डिफरेंशिएशन में भी इंटीग्रेशन में भी बार बार यूज होता है। तो रूट एक्स हो गया वन अपॉन टू रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब मुझे सिर्फ डी एक्स और रूट एक्स चाहिए, दैट मीन्स इस टू को मैं शिफ्ट कर देता हूं। अब देखिए यहां पे टू डिवाइड हो रहा था तो यहां पे टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखने वाली बात है ये रूट एक्स और डी एक्स, ठीक है ना, ये नीचे था ये ऊपर था, नीचे और ऊपर मिलके क्या बन रहे हैं टू डी टी। तो ये जो मेरा इंटीग्रल है क्या बन रहा है, कॉस कॉस ऑफ रूट एक्स को मैंने क्या पुट किया हुआ है टी। तो यहां पे देखिए मुझे अकेला टी नहीं मिला लेकिन टी के साथ मुझे कॉस भी मिल गया, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टू को हम बाहर ले लेंगे। अब कॉस का इंटीग्रल क्या होता है, साइन टी प्लस सी तो हमें लिखना ही है, टी मैंने किसको पुट किया था रूट एक्स को, तो मुझे फाइनल आंसर क्या मिल गया, साइन रूट एक्स प्लस सी, ठीक है ना, और साथ में ये जो टू था उस टू को हम लिख लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। यहीं पे देखिए दूसरा क्वेश्चन, अब देखिए ये भी वही क्वेश्चन है, बस फंक्शन चेंज हो गया है। मैं क्या करूंगा, इस रूट एक्स को टी पुट करता हूं, तो वन अपॉन टू रूट एक्स डी एक्स बन जाता है डी टी, यानी कि वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स बन जाएगा टू डी टी। तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेट टू को हम बाहर लिख लेते हैं, डी टी को यहां लिख लेते हैं, मतलब ये रूट एक्स और डी एक्स मिलकर बन गए डी टी। मेरे पास सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स को हमने टी बना दिया। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, टैन ये हो जाएगा टू टैन नॉट एक्स बट टी, टू टैन टी एन प्लस सी, ठीक है। अब क्या करेंगे, टी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा टू टैन रूट ऑफ एक्स प्लस सी एंड दैट इज माय आंसर, ठीक है, इतना समझ में आया। आगे देखिए, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है,
अब देखिए जितने भी क्वेश्चन है देखने में बड़े कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं लेकिन है नहीं। अब मुझे क्लियरली यहां पे दिख रहा है टैन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है 1/1 + x² है, तो मैं क्या करता हूं इस टैन इनवर्स एक्स को टी पुट करता हूं। आपको इसमें सिर्फ ये करना है कि एक फंक्शन ढूंढना और उसका डेरिवेटिव ढूंढना है, बस दैट्स इट। उसके बाद ये क्वेश्चन बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। टैन इनवर्स को टी पुट किया, इसका डेरिवेटिव है 1/1 + x², टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 + x², क्योंकि मैंने यहां पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया है, मुझे क्या लगाना है टी एक्स, यहां पे क्या आ जाएगा डी टी, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। अब ये जो नीचे 1 + x² है और ये जो डी एक्स है ये मिलके क्या बन गया डी टी बन गया, और इस टैन इनवर्स एक्स को हमने क्या पुट किया था टी पुट किया था, इस टैन इनवर्स के बाहर क्या था साइन था, ये हो गया साइन टी डी टी, साइन टी डी टी फॉर्मूला क्या हो जाएगा नेगेटिव कॉस टी प्लस सी विच इज नेगेटिव कॉस। अब टी मैंने किसको पुट किया था टैन इनवर्स एक्स को, ठीक है ना। ये हो जाएगा नेगेटिव कॉस टैन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपको ये मिल गया। देखिए मुझे करना क्या है, एक फंक्शन ढूंढना और उसका डेरिवेटिव यहां पे ढूंढना है। क्लियरली ये जो टैन इनवर्स एक्स है फंक्शन दिख रहा है और उसका डेरिवेटिव 1/1 + x² दिख रहा है, लेकिन इस टैन इनवर्स के साथ एम लगा हुआ है और एम क्या है यहां पे ऑब्वियसली अ कांस्टेंट। तो आपको मैंने बताया कि जब भी किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट मिलता है हम सब्स्टिट्यूशन में उसको भी साथ में ले सकते हैं। तो आई डू व्हाट आई डू m tan इनवर्स x इज इक्वल टू t पुट कर देता हूं, क्या बन जाएगा ये m एज इट इज रह जाएगा tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x² विद अ dx एंड दिस बिकम्स dt, बट आई डोंट वांट दिस m, मुझे ये m यहां पे नहीं चाहिए, तो मैं इसको क्या करूंगा नीचे लिख लूंगा, ठीक। तो अब देखिए 1/1 + x² और ये dx ये दोनों मिलके क्या बन गए dt अपॉन एम बन गए। इस न्यूमरेटर में मैंने इस एम टैन इनवर्स एक्स को क्या पुट किया था टी, लेकिन ये ई की पावर में है तो ये ई पावर टी हो गया। अब ई पावर एक्स का इंटीग्रल ई पावर एक्स प्लस सी होता है, तो इसको मैं लिख लूंगा 1/m जो कि ये है ई पावर टी एन प्लस सी। नाउ व्हाट इज टी, ये मेरा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यहां तक तो समझ में आया। अब आगे देखिए, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए एक्स क्यूब दिया है साइन ऑफ एक्स पावर 4 दिया है। अब रूल क्या है, मुझे एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव भी यहां पे हो। अब मुझे क्लियरली दिख रहा है ये एक्स पावर 4 यहां पे है और इस एक्स पावर 4 का डेरिवेटिव होता है 4x³। हमेशा जो नंबर वाला पार्ट है उसको आप इग्नोर करेंगे, ठीक है ना। अगर मैं एक्स 4 को इग्नोर करता हूं तो एक्स क्यूब मुझे यहां मिल रहा है, तो मैं एक काम करता हूं इस एक्स पावर 4 को टी पुट करता हूं। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसका मतलब 4x³ और साथ में dx हो जाएगा dt। अब मुझे सिर्फ x³ और dx चाहिए, तो इस 4 को मैं यहां नीचे लगा लेता हूं, तो ये क्वेश्चन मेरा कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए x³ और dx dt बन गए, हो गया साइन ऑफ एक्स पावर 4 को मैंने क्या पुट किया t। नाउ साइन t का इंटीग्रल ध्यान रखना माइनस कॉस टी प्लस सी। ठीक है, नाउ व्हाट इज टी, एक्स पावर 4 हमने पुट किया था, ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है ना, अच्छा इसमें एक और चीज क्या 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 किया था, ये डी टी अपॉन 4 था, यहां 1/4 हमें लिखना था,
यहां पे अपॉन 4 लिखना था, यहां पे अपॉन 4 लिखना था, दैट्स इट। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। अब आगे देखिए इसी में और वेरिएशन। मान लीजिए यहां x पावर 4 की बजाय मुझे x पावर 4 प्लस 3 या फिर लेट्स से 3x पावर 4 प्लस 5 ऐसा कुछ दिया होता, तो अब देखिए ये और कॉम्प्लिकेटेड देखने में जरूर लग रहा है लेकिन है नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी मुझे सिर्फ इस वेरिएबल वाले पोर्शन को देखना है इसका डेरिवेटिव मुझे यहां मिल रहा है, साथ में अगर कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है, वो अपने आप हट जाता है। लेकिन हम सब्स्टिट्यूशन हम हमेशा क्या करेंगे, पूरे फंक्शन को करेंगे, यानी कि मुझे यहां पे भी 3x पावर 4 प्लस 5 को t पुट करना है। ठीक है, ये हो जाएगा 3x पावर 4 हो जाएगा 4x क्यूब, dx लिख लेंगे क्योंकि 5 का डेरिवेटिव है 0, यहां पे हम लिख लेंगे dt, 4 3 जा 12 को हम उस तरफ ले जाते हैं, ये हो गया। अभी क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा 1 अपॉन 12, ठीक है ना, x क्यूब dx, ये x क्यूब और ये dx मिलके बन गए dt, साइन बच गया, और ये 3x स्क्वायर प्लस 3x पावर 4 प्लस 5 को हमने क्या पुट किया था, t पुट किया था, ये हो गया। क्या कर सकते हैं इसको, माइनस कॉस t लिख लेंगे प्लस c लिख लेंगे, ठीक है, इतने पोर्शन को हम लिख लेंगे माइनस कॉस t प्लस c, लेकिन ये 1 अपॉन 12 भी तो है साथ में, तो उसको मुझे यहां पे लगाना है। अब मैं सिर्फ t की वैल्यू पुट कर दूंगा जो कि क्या है 3x पावर 4 प्लस 5, ठीक है ना, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये फॉर्म देखा बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, अब ये क्या हो गया, और थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड देखने में तो लग रहा है लेकिन बन जाएगा। आपको बस रूल याद रखना है, मुझे एक फंक्शन ढूंढना है और उसका डेरिवेटिव ढूंढना है, कॉस का साइन नहीं मिल रहा। अब देखिए अगर मैं इस ई रूट एक्स को सॉल्व करके देखता हूं तो ई रूट एक्स का, ई पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, तो e सबसे पहले तो e एज इट इज होता है, मतलब e रूट एक्स तो मुझे मिलेगा ही, e का काम खत्म है ना, डायरेक्टली हम चेन रूल अप्लाई कर लेते हैं। रूट एक्स को जब हम सॉल्व करेंगे, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है, तो मुझे e पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स मिल रहा है, इस 2 से मुझे कोई परेशानी नहीं है क्योंकि वो एक कांस्टेंट नंबर है, तो मुझे e पावर रूट एक्स और रूट एक्स ये मुझे मिल रहा है अगर मैं इसको t पुट करता हूं, ठीक है ना, तो हमने क्या किया, इस e पावर रूट एक्स को t पुट कर देते हैं, e पावर रूट एक्स को t पुट करते हैं, तो e पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव ये मिल गया, साथ में हम डी एक्स लगा लेते हैं, इज इक्वल टू डी टी लिख लेते हैं, लेकिन ये जो नीचे 2 है मेरे पास, मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं इस 2 को ऊपर यहां पे ले आता हूं 2dt। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो गया, ये e पावर रूट एक्स और अपॉन रूट एक्स और साथ में ये dx, ठीक है ना, ये तीन चीजें मिलके क्या बन रही हैं, 2dt बन रही हैं, 2 को मैंने बाहर लिख लिया इंटीग्रेशन सिंबल के और dt को मैंने अंदर लिख लिया, ठीक है, ये तीन चीजें हो गई, cos बच गया, e पावर रूट एक्स को मैंने ऑलरेडी t पुट किया हुआ है। अब cos का इंटीग्रल क्या होता है, साइन, टू साइन टी प्लस सी, ठीक है ना, अब t
टी हमने क्या पुट किया था, ये हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। तो ये कोई बहुत मुश्किल नहीं था। इसी में देखिए क्वेश्चन को और थोड़ा सा घुमा के देते हैं, कई बार आपको और एग्जांपल में बता देता हूं। आपको अब देखिए ये क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दिया, क्या किया जाए। तो मुझे यहां पे देखिए ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है, ये तो सिंपल फंक्शन है। तो आपको मैंने जो जनरल फॉर्म बताया था क्या था, f ऑफ g ऑफ x एंड g डैश x, ठीक है ना। मतलब मुझे फंक्शन ऑफ फंक्शन मिलेगा, एक फंक्शन मिलेगा और उसका भी फंक्शन मिलेगा, लेकिन जो अंदर फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव मुझे मिलेगा। तो मैं पहला जो गेस या पहली जो ट्राई करूंगा यहाँ पे वो ये कि साइन स्क्वायर के अंदर जो एक्स ई एक्स है, ठीक है ना, इसको मैं पहले इसको ट्राई करता हूं कि इसको टी पुट करने से क्या कोई बात बन रही है ना। तो आपने समझा कि मैंने कैसे यहां पे गेस किया, फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो ऑब्वियसली मैं पहले इसको पुट करके देखता हूं क्या बात, मतलब क्या मुझे रिजल्ट मिलता है। अब देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो हम मुरली कर सकते हैं ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ बी यानी कि ई एक्स, ई एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स यानी कि वन, ठीक है, ये मुझे मिल गया। क्या ये न्यूमिनेटर के बराबर है, बिल्कुल है। देखिए ई एक्स अगर हम यहां कॉमन लेते हैं तो यहां पे मैंने देखा कि अगर मैंने इसको टी पुट किया तो ये न्यूमिनेटर पूरा क्या बन रहा है, डी टी बन रहा है। तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, ये एक्स प्लस वन ई एक्स और डी एक्स, ये सारा मिलके क्या बन गया, डी टी। डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर है मेरे पास और ये एक्स ई एक्स को मैंने क्या पुट किया, टी पुट किया। अब वन अपॉन साइन स्क्वायर तो कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन वन अपॉन साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक, सॉरी यहां पे टी लिखना था मुझे, ठीक है। तो आपने देखा कि एक क्वेश्चन जो है बस थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया हुआ था। अब कोसेक स्क्वायर मुझे मालूम है ना, फॉर्मूला तो मालूम ही है, माइनस ऑफ कॉट। नाउ व्हाट इज टी, ये हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। यहां तक समझ में आया, आगे देखिए। आपको क्वेश्चन बोला है ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। अब ये तो है सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि इसको मैं अगर टी पुट करता हूं, देखिए फंक्शन के अंदर फंक्शन मुझे यही मिल रहा है, तो मैं 2e माइनस एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू टी अगर पुट करता हूं तो देखिए 2 एज इट इज e पावर माइनस एक्स ही रहेगा, लेकिन क्योंकि माइनस एक्स है, माइनस एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे मुझे एक माइनस साइन मिलेगा, ठीक है। dx लगा लेंगे, dt लगा लेंगे, अब जल्दी जल्दी करें तो चलेगा, इंटीग्रेशन काफी हद तक आप कर चुके हैं। नाउ आई जस्ट वॉन्ट ई माइनस एक्स एंड dx, तो मैं इस माइनस टू को शिफ्ट कर देता हूं तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट होके मुझे मिल जाएगा। देखिए ई माइनस एक्स और डी एक्स क्या बन गया, डी टी अपॉन माइनस टू। तो माइनस टू को मैंने बाहर ले आया, डी टी को अंदर रख दिया, कॉस एक्स स्क्वायर
और इस पूरे को मैंने क्या पुट किया था, टी पुट किया था। कोसेक का फॉर्मूला टैन है ना, तो ये टैन टी बन जाएगा, जिसको कि मैं लिख सकता हूं माइनस हाफ टैन टी की जगह आप वापस ये रिजल्ट मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अब ये तो सिंपल है। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला 5 पावर x प्लस tan इनवर्स x। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, बोला है x² + 2x² + 1 dx। ठीक है, बहुत अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है ये देखने में, लेकिन है नहीं। ठीक है, आपको करना क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, देखिए ये 5 की पावर में है। ठीक है, तो 5 की पावर में फंक्शन है, पहले हम कोशिश करते हैं इस पावर में जो फंक्शन है ना, इसको हटाने की कोशिश करते हैं। तो इसको सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या बनता है। अगर मैं इसको टी पुट करता हूं, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x² इस पूरे के बाहर में लिख लूंगा dx, ये क्या बन जाएगा dt। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये और वो टैली नहीं कर रहा है, लेकिन करेगा, आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, 1 + x² × 1 अब देखिए 1 + x² + 1 यानी कि ये 2 + x² या x² + 2 हो गया। ठीक है, नीचे x² + 1 हम लिख सकते हैं, ये dx हो गया = dt हो गया। अब देखिए ये सारा पोर्शन क्या बन गया, dt बन गया, है ना, हो गया ना सिंपल। तो मैं इसको हटा देता हूं, तो इतना पोर्शन क्या बन गया dt, और इसको हम लिख लेंगे 5 पावर, ये पूरा क्या हो गया, इसको हमने t पुट किया था 5 पावर t। अब मुझे मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x फॉर्मूला क्या है, यही है, तो हम इसको लिख लेंगे 5 पावर t / log(5+c). नाउ टी जो भी है मैं उसकी वैल्यू वापस पुट कर दूंगा एंड आई विल हैव माय आंसर। ठीक है ना, तो टी मैंने कितना पुट किया था, ये मेरा रिजल्ट आ गया। ठीक है, क्लियर है ये।